स्वागत है दोस्त हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे कैपेसिटर बैंक के बारे में कि कैपेसिटर बैंक जो हम इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, अगर हम कैपेसिटर बैंक को यूज नहीं करेंगे तो इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है दोस्त, इसको हम जानेंगे। दोस्त अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख रहे हैं कि यह कैपेसिटर बैंक जो है आपको तीन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस पाइप के फॉर्म में भी आता है, इस तरह का भी आता है और इस तरह का भी आता है, जो आपका KVR में वैल्यू होती है, 10 KVR का, 3 KVR का, 20 KVR का, ये कैपेसिटर बैंक आता है। दोस्त यह एक प्रकार का लोड है जिसे हम कैपेसिटी लोड कहते हैं, और कैपेसिटी लोड में जो पावर फैक्टर होता है दोस्त वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, जैसे कि आप दोनों इस फेजर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ जो है लीडिंग पावर फैक्टर कहने का मतलब यह है करंट होता है वो वोल्टेज से आगे रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्टेज है, और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा दोस्त वो है करंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से पहले स्टार्ट हो गया है, और वोल्टेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्त ये है फेज डिफरेंस, यानी वोल्टेज और करंट के बीच के दोस्त जो डिफरेंस होता है उसे हम पावर फैक्टर कह सकते हैं और कहते भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त कि ये करंट हो गया हमारा IC और VC हो गया वोल्टेज। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है हमारा यहाँ है और करंट हमारा यहाँ है, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है दोस्त वो है 90 डिग्री। तो इससे हमें ये क्लियर होता है दोस्त कि जो कैपेसिटी लोड होता है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। लीडिंग इसलिए हम उससे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट है दोस्त वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करके चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम कैपेसिटी लोड का यूज करते हैं जिससे हमारा लीडिंग पावर फैक्टर मिले। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि इंडस्ट्री में जो जनरली हमारा जो लोड होता है वो दो तरीका का लोड होता है, एक तो रेजिस्टिव लोड होता है और एक इंडक्टिव लोड होता है। तो रेजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होती है दोस्त वो होती है यूनिटी होता है, यानी एक होता है। इसकी पावर फैक्टर हमें इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये रेजिस्टिव लोड का एग्जाम्पल हो गया, हमारा हीटर हो गया, बल्ब जितने लगे होते हैं, यानी जो हीट प्रोड्यूस करने वाला जो भी हमारा डिवाइस होया दोस्त वो रेजिस्टिव लोड कहलाता है। अगर आप लोड कितने प्रकार का होता है और पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है दोस्त वो दोनों वीडियो मैंने बना के रखा है, आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि कितने तरह का हमारा पावर फैक्टर होता है और कौन कौन सी इंडस्ट्री में लोड होता है। तो दोस्त जितना भी हीट के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला जो भी एलिमेंट या डिवाइस होता है दोस्त वो रेजिस्टिव लोड होता है। उसके बाद दोस्त हम जान लेते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। जो इंडस्ट्री होता है दोस्त उसमें ज़्यादातर हम मोटर ही यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो मोटर यूज होने के कारण से दोस्त ये जो है इंडक्टिव लोड है, और इस लोड में क्या होता है जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, यानी वोल्टेज से पीछे चलता है। और ज़्यादातर हम मोटर यूज करने से दोस्त जो पावर फैक्टर होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव लोड का, और मोटर यूज करने से दोस्त ये होता है कि जो हमारी कंपनी का यानी फैक्ट्री का जो पावर फैक्टर होता है दोस्त वो काफ़ी लैग कर जाता है, यानी कम हो जाता है, 0.7 हो जाता है, 0.8 होता है या 0.65 या समथिंग के रहता है। तो इसलिए हम कैपेसिटर बैंक यूज कर जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त जो हमारा इंडक्टिव लोड है दोस्त, इंडक्टिव लोड में ये आपको सर्किट डाइग्राम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये फेजर डाइग्राम है। आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि करंट हमारा इससे पीछे से स्टार्ट हो रहा है, यानी 90 डिग्री लैग करके चल रहा है, पीछे चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया। तो दोस्त इसको इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। जो साइकिल जो है करंट का वो वोल्टेज से पीछे स्टार्ट होता है, कि कैपेसिटर बैंक यूज करने से ये जो करंट है दोस्त वो इसके सिमिलर स्टार्ट हो। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया और यहाँ से हमारा वोल्टेज चल रहा है, और जो लैगिंग पावर फैक्टर है यानी इंडक्टिव लोड है मोटर जो लगा है इसकी करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको जो है इस जो डिफरेंस आ रहा है दोस्त इसको जो है रिड्यूस करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, जिससे जो है इसकी पावर फैक्टर हमारी इम्प्रूव हो सके। तो दोस्त कैपेसिटर बैंक हम लोग इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके, क्योंकि जो इसका पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और जो हमारी इंडस्ट्री होती है दोस्त उसमें ज़्यादातर हम मोटर ही यूज करते हैं, तो उसके कारण से उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है और इसमें
पावर फैक्टर हमारी डाउन हो जाती है तो कैपेसिटर बैंक हम यूज करते हैं, जिससे जो है लैगिंग पावर फैक्टर में जो हमारा करंट बाद में स्टार्ट हो रहा है वह एज ए रजिस्ट्री लोड यानी जो फेज डिफरेंस आ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में ये रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम कैपेसिटर बैंक यूज कर सकते हैं। आप सिंपल लाइन में यही से बोल सकते हैं दोस्त, कैपेसिटर बैंक हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोड होती है दोस्त वो इंडक्टिव टाइप का लोड होता है और जिसमें करंट हमारा वोल्टेज से लैग करता है। जब हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं तो जो हमारा करंट वोल्टेज से लैग करता है उसमें वह साइकिल जो वोल्टेज के सिमिलर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।